नमस्कार, कानून के पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। हमारा संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, मतलब देश का हर नागरिक किसी भी विषय पर अपनी बात रखने और उसे दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार रखता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि सूचना और पारदर्शिता के बिना अभिव्यक्ति की आजादी अधूरी रहती है, इसलिए सरकार 2005 में सूचना का अधिकार कानून लेकर आई। यह कानून भारत जैसे जटिल और विविध लोकतंत्र के लिए जरूरी है। यह कानून सही मायनों में हमारे लोकतंत्र के प्रति आम नागरिक की आस्था को बल देता है, मजबूत बनाता है। आइए देखते हैं इस कानून की खास बातें। वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार को पहचान 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाने के बाद मिली। इस मैकेनिज्म का मकसद मीडिया या दूसरे माध्यम से आमजन को सूचना मांगने और लेने का अधिकार देना था, और कई दशकों बाद लोकतंत्र को मजबूत करने और गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सारे देश में लागू कर दिया। सूचना के अधिकार कानून का मूल मकसद नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराकर सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र की कार्यशीलता को बढ़ावा और दिशा देना है। ये कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में अवगत कराने की दिशा में बड़ा कदम है। इस कानून के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय में RTI दर्ज कराकर जरूरी जानकारी ले सकता है। ये कानून सरकार से लिखित सवाल जवाब करने का हक हर नागरिक को देता है। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक प्रभावी कदम के रूप में सूचना का अधिकार विधेयक को जून 2005 में संसद से पारित करवाया। जुलाई 2019 में इसमें संशोधन कर कमियों को दूर किया गया। अब जानते हैं इस कानून की बड़ी बातों को। RTI के अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद और राज्यसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं। RTI एक्ट के अंतर्गत वो सभी विभाग शामिल हैं जो सरकारी आदेश से बने हैं या सरकार से वित्तीय सहायता लेते हैं। आवेदक को 10 रुपए का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। कई राज्यों के आवेदन शुल्क में भिन्नता हो सकती है। गरीबी रेखा के नीचे वाला आवेदक बिना किसी शुल्क के सूचना मंगा सकता है। मांगी गई सूचना अगर आवेदक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी है तो उसे 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। RTI एक्ट में ये भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण कंप्यूटर में करें। प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने की स्थिति में आप स्थानीय से लेकर राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। इस कानून में केंद्र की तर्ज पर राज्यों में भी एक राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाओं को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था, सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है। सूचना किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कानून के पाठशाला कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए कानून और उससे जुड़े प्रावधानों को लेकर। नमस्कार।